केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हरियाणा दौरे पर पंचकुला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंचकुला में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भारत में तबेतिक की पहचान और मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से एक व्यापक 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जब लोग फाइट अगेंस्ट टीबी कहते थे, उस समय 2018 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एनटीबी, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तत्परता के साथ इसके साथ लड़ाई लड़ी। यह अलग बात है कि बीच में कोरोना आया और स्वास्थ्य विभाग को उसमें लगना पड़ा। अभी 2025 से आगे कुछ और समय लगेगा, लेकिन अब टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को पूरा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। कि इस टीबी मुक्त अभियान में 2018 एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण साल है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब लोग फाइट अगेंस्ट टीवी कहते थे, टीवी के साथ हम लड़ेंगे, उस समय 2018 में हमारे विजनरी, दूरदर्शी, डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर ने कहा एंड टीवी, मुक्त करो भारत को, एंड टीवी, इस बोल्ड स्टेप को लिया 2018 में। ये बहुत बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था दुनिया के लिए, देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए, कि एक प्रधानमंत्री इस हौसले के साथ कह रहा है, 140 करोड़ के देश में यह हौसला कि एंड टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को हम समाप्त करेंगे, टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। यह 2018 का बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया और उस समय उन्होंने तय किया कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 रखते हैं तो हम टीबी मुक्त भारत 2025 में बना देंगे। इस बात को लेकर के हम चले और मुझे खुशी है कि एंड टीबी समिट जो 2018 में किया गया, उसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन को 2025 साल रखा गया। मैं स्वास्थ्य विभाग को भी बधाई देना चाहता हूं, मैं इस विभाग में आता जाता रहा हूं, तो जब मैं यहां से नई जिम्मेवारी पर गया, उस समय से लेकर के जब मैं दोबारा इस जिम्मेवारी पर आया, तो मैंने देखा कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरी लगन के साथ, पूरी तत्परता के साथ इस एंड टीबी के प्रोग्राम को लड़ाई लड़ी। ये अलग बात है कि बीच में एक पेंडेमिक आया, एक तरीके से कहा जाए तो एक कैलामिटी आई और कोरोना आया और सारा स्वास्थ्य विभाग को कोरोना में अपने आप को जूझना पड़ा, जिसमें से भारत सफलतापूर्वक निकल करके आया। और इसलिए 2025 से कुछ समय आगे और लगेगा और, लेकिन हम मुक्त भारत, मुक्त टीबी मुक्त भारत को, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पहले उसको हम पूरा करेंगे। ये हम बताना चाहते हैं।